नमस्कार और आदाब दोस्तों, हमारे इस न्यूज चैनल पर सभी पल्स मिलेशक साथियों का हार्दिक स्वागत है। जी दोस्तों, आपके टॉप मोस्ट कमेंट लेकर हाजिर हैं। सबसे पहला कमेंट हमारे पास जो आया है नंदा सिंह रावत जी का है। नंदा सिंह रावत जी का कहना है कि घोटाला किसे कहते हैं, विस्तार से बताइए। ये कमेंट इनका आदर्श कोऑपरेटिव सहकारी बैंक की एक हमारी वीडियो पर आया है। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना है कि घोटाला किसे कहते हैं, विस्तार में बताइए। तो हम आपको विस्तार में बताते हैं कि आपकी आदर्श सहकारी बैंक जो संस्था थी, उसमें आप लोगों ने पैसा जमा किया और उस पैसे को इन लोगों ने दूसरी कंपनियों को उधार के रूप में दे दिया और वो पैसा इनका डूब गया। तो दोस्तों, वो पैसा इनका नहीं डूबा, वो आपका डूबा है। तो इसी तरह के फ्रॉड को या इस तरह के बैंकों के प्लान में जो गड़बड़ हो जाती है, उसी को घोटाला कहते हैं। और विस्तृत जानकारी आपको हम किसी अगली वीडियो में देंगे। अगला कमेंट है अनुपमा सिंह का। अनुपमा सिंह का कहना है कि पल्स की तरह आप भी हमारा साथ तो नहीं छोड़ दोगे। अनुपमा साहब, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जब तक आपका पैसा आप तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम आपको बराबर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अगला सवाल एम बाबू का। एम बाबू का कहना है कि एम बाबू का बड़ा सवाल, एक बार पैसा वापस दिलाओ, फिर हम पैसा वापस देंगे। जी हाँ दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि एक बार किसी तरीके से कंपनी हमें पैसा दे दे और हमें विश्वास आ जाए, चाहे ये पैसा हमसे दोबारा कंपनी ले ले। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे ख्याल इन लोगों के अपने मन में होते हैं। तो दोस्तों, इनके ये बड़े बड़े सवाल इनके मन में रहते हैं। अगला सवाल बाबूजी का दूसरा कमेंट है कि प्लीज सही जानकारी दिया करें। तो दोस्तों, ये आदर्श सोसाइटी पर ही एक और कमेंट है इनका बाबूजी का। तो आदर्श सोसाइटी एक बैंक संस्था थी जिसने आपके पैसे का गलत उपयोग किया और उस पैसे को इन्होंने दूसरी कंपनियों को उधार के रूप में दिया, जो वो डूब चुका है। अब उस पैसे का मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनियां इन लोगों से पैसा ले लेती हैं और हड़प लेती हैं। तो इस सबसे पहली बात तो ये है कि आदर्श सहकारी बैंक के नाम पर ये इन्होंने अपनी जो लाइसेंस लिया था वो ये इसलिए नहीं दिया था कि आप फाइनेंस का काम करें। तो इन लोगों ने आपके पैसे का दुरुपयोग किया और इस वजह से आपका पैसे डूबने की कगार पर है। जी हाँ दोस्तों, अगला कमेंट है दीप सिंह हमारा। वीडियो देखकर मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये दीप सिंह ने हमारा कोई वीडियो देखा होगा और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी का धन्यवाद करें, क्योंकि मोदी जी ने आप सभी के पैसे को दिलाने का वादा किया हुआ है और अब वो बहुत जल्दी ही इस पर काम चालू कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उन्होंने इस वक्त शपथ ली है कि हम अपने देश को एक अच्छा और बेहतरीन देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह के घोटाले जो पल्स के हैं, साई प्रसाद के हैं, सहारा के हैं, इस तरीके के ये जो मामले पेंडिंग पड़े थे, उनको अब ये उसमें तेजी लाने की प्रक्रिया को चालू कर रहे हैं। अगला सवाल ए आर कमल का। उनका कहना है, बड़ा सवाल है, कहते हैं कि मोदी जी प्लीज हेल्प मी, हमारे सभी निवेशकों ने हमारा जीना हराम कर रखा है, हमारी जिंदगी नरक बना दी है, पल्स एंड एजेंटों पर दया करें। तो ए आर कमल जी का ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इनका कहना है कि हम रोज आत्महत्या के समान जिंदगी बिता रहे हैं और नरक बन चुकी है इनकी जिंदगी। एजेंट है ये और इनके निवेशक इन्हें परेशान कर रहे हैं और ये प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं। तो हमारा भी प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि सभी चिट फंड कंपनियों का मामला जल्द से जल्द सुलझाया जाए, ताकि सभी गरीब निवेशकों का पैसा उनको मिल सके, उनके घरों में सहनाइयाँ बच सकें, उनके बच्चे की पढ़ाइयाँ पूरी हो सकें और जो जितने भी इन लोगों के काम है वो पूरे हो जाएं। तो दोस्तों, एक और कमेंट आपसे लेते हैं। वो कमेंट है श्री सुमन प्रसाद जी का। सुमन प्रसाद जी कहते हैं कि ये कुछ चैनल वाले आपस में कैसी गड़बड़ियाँ फैला रहे हैं, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका एक बड़ा सवाल है और हम भी इस पर टिप्पणी करते हैं। हमारा भी कहना है कि ये आपस के मामले हैं
और इन आपस के मामलों को इन चैनलों वालों को आपस में सुलझाना चाहिए, इसको सार्वजनिक तौर पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर अपनी आपस में एक दूसरे पर लाठन लगाने से कोई फायदा नहीं, कभी कभार हो जाती है, लेकिन ये नहीं कि आप डेली वियर में इसी तरह की वीडियो डालते रहें और एक दूसरे को टांग घसीटते रहें। यानी कि जिस तरीके से कहते हैं हमारे यहाँ यूपी में कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, जी दोस्तों ये हालात इस वक्त कुछ चैनलों के बने हुए हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि आपस में इस तरीके की बातें ना करें और कम्प्रोमाइज बनाकर रखें और एक दूसरे का आदर करें और साथ के साथ पल्स निवेशकों का जितने भला हो वो वीडियो डालें, ये आपस की बातों की वीडियो ना डालें। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा सवाल था इनका और इस वक्त हमारे पास वीडियो बनाने का टाइम खत्म हो चुका है। दोस्तों फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, लेकिन आपसे हमारी बाय रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कभी सब्सक्राइब करें और अपनी परेशानी को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद।